नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान का सबसे शानदार यूट्यूब चैनल फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस मैथमेटिक्स के लिए। दोस्तों, हम यहां पे जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सारा कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान का बेहतर कॉन्सेप्ट होगा। इससे शानदार और आसान कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। सबसे पहले आपको हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पे हमारी ट्रेनिंग क्लास है जिसमें कुल 17 वीडियो है, उसको ध्यान से पढ़ना है, उसका नोट्स बनाना है। यदि आप ट्रेनिंग क्लास को करते हैं तो आने वाला हर चैप्टर आपको रिवीजन जैसा लगेगा, हर चैप्टर का बेस क्लियर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन हमारी ट्रेनिंग क्लास में से ही आएगा। आपका दिमाग और हमारा दिमाग आपस में कनेक्ट हो जाएगा, जिससे हम कोई भी चीजें आगे समझाएंगे आपको 100% समझ में आएगा। पूरे देश में कमजोर छात्रों के लिए 100% मैथ सीखने के लिए इस ट्रेनिंग क्लास के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि देश के हर कमजोर छात्र तक आप हमारी वीडियो पहुंचाने में हमारी, उनकी और पूरे देश की मदद करेंगे। दोस्तों, ट्रेनिंग क्लास करने के बाद आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ना है। परसेंटेज में कुल 13 वीडियो है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस में भी कुल 13 वीडियो है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट में कुल 7 वीडियो है। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में कुल 9 वीडियो है। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आज हम लोग 9वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप सारे वीडियो को पढ़ के आएंगे, आपको 100% समझ में आएगा। दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 7वीं और 8वीं क्लास हमने आयु संबंधी क्वेश्चन पे बात किया है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में 9वीं वीडियो में हम लोग मिश्रण की बात करेंगे। 10वीं 11वीं 12वीं में भी मिश्रण की ही बात आगे करने वाले हैं। जो मिश्रण चैप्टर है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही एक भाग है, कंफ्यूजन पहले तो नहीं होना है, ठीक है। जो भी चैप्टर पीछे समाप्त हो गए हैं सारे चैप्टर समय समय पर अपडेट होंगे। जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके डाउट हैं, सारे डाउट लिए जाएंगे। यदि आप हमारी हर वीडियो को पढ़ते हैं और आप हर वीडियो पे कमेंट करते हैं और अपना फीडबैक देते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, यदि आप हर वीडियो पे कमेंट नहीं करते हैं तो आपका डाउट मैं नहीं बता पाऊंगा। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं मिश्रण की पहली क्लास और रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 9वीं क्लास। समझ में आ गया होगा हम क्या करना चाहते हैं। ध्यान से देखिएगा, यह एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। एक दूसरा बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 1:3 है। समझ में आ गया है, दूध पानी का अनुपात 3:2 है और दूसरे बर्तन में दूध पानी का अनुपात 1:3 है। क्वेश्चन यह है कि इसमें से बराबर मात्रा लेकर, ओके, बराबर और इसमें से बराबर मात्रा लेकर, बराबर का मतलब समझिए, यदि एक चम्मच इसमें से लेते हैं तो एक चम्मच इसमें से लेते हैं, एक ढक्कन इसमें से निकालते हैं तो एक ढक्कन इसमें से निकालते हैं, एक गिलास इसमें से तो एक गिलास इसमें से, एक बाल्टी इसमें से तो एक बाल्टी इसमें से। बराबर मात्रा समझ में आ गया होगा क्या करना है ना, आया कि नहीं आया? हाँ, बिल्कुल करेक्ट। यदि बराबर मात्रा लेना है और इसमें मिलाना है तो दूध और पानी का स्वाद बताना है कि दूध पानी का स्वाद कैसा होगा। क्वेश्चन करते कैसे हैं ध्यान से समझिएगा। यदि आपके दिमाग में ऐसी बातें आ रही हैं तो उसको गलत कर दीजिएगा। दूध है 3 और इसमें दूध है 1 तो इसको 4 कर देंगे, इसमें पानी है 2 और इसमें पानी है 3 इसको 5 कर देंगे, क्वेश्चन वुड बी रॉन्ग, क्वेश्चन वुड बी रॉन्ग, करेक्ट। यदि बराबर मात्रा लेना है, बराबर मात्रा लेना है तो क्या करना है ध्यान से देखिए, 3 और 2 इसको आप करिए 5, 1 और 3 इसको कीजिए 4, ठीक है। 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 20। 5 और 4 का एलसीएम होता है 20, ठीक है। इसको 20 बनाने के लिए 4 से गुणा करना होगा, इसको 20 बनाने के लिए 5 से गुणा करना होगा। बचपन में ही सीख चुके हैं, यदि आप पूरे को 20 बनाना चाहते हैं
तो इधर चार से गुणा, तो इधर भी चार से गुणा करना होगा। इधर पांच से गुणा कर रहे हैं तो इधर भी पांच से गुणा और इधर भी पांच से गुणा करना होगा। देखिए ध्यान से, यदि बराबर मात्रा लेना है, इसमें से बराबर मात्रा लेना है, तो इसको 20 किया, इसको 20 किया। अब आप कर सकते हैं मिल्क, चार तिहाई 12 और पांच एकम पांच, तो 12 और पांच 17 हो गया है, चार दुनी 8 और पांच तिहाई 15, 8 और 15 23 इसको कर दीजिए, ठीक है। और यही आपका आंसर है 17:23, ठीक है। लैंग्वेज के रूप में इसी क्वेश्चन को लिख लीजिए, लैंग्वेज के रूप में। एक बर्तन के अनुपात, बर्तन में, एक बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 है, 3:2 है, जबकि दूसरे बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात या स्वाद, 1:3 है, 1:3 है। दोनों से बराबर मात्रा लेकर के, दोनों से बराबर मात्रा लेकर के एक तीसरे बर्तन में डाल दिया गया, तीसरे बर्तन में डाल दिया गया, तीसरे बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात बताएं, दूध तथा पानी का अनुपात बताएं। तो 17:23 कैसे आया है आपने समझ लिया है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन को समझिए, दूसरा क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। यदि क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि तीन समान आयतन के बर्तन, हमने शब्द क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझिएगा, तीन बर्तन समान आयतन के हैं, समान आयतन समझते हैं वॉल्यूम, समान आयतन का मतलब उसमें बराबर बराबर मात्रा है, शराब, वाइन और वाटर, वाटर को हम पी बना लेते हैं ना क्योंकि डब्लू हो जाएगा, शराब और पानी, शराब और पानी, शराब और पानी, वाटर, ठीक है। इसमें है 1:2, इसमें मान लिया हमने 3:2 ही मान लिया, और इसको मान लिया हमने 1:4। आप बताएंगे सबसे पहला क्वेश्चन कि कौन सा स्वाद, कौन सा आप शराब पीना पसंद करते हैं, बिल्कुल करेक्ट, इसमें, इसमें इसलिए क्योंकि शराब की मात्रा ज्यादा है, इसलिए बिल्कुल करेक्ट, कोई भी आदमी यही पिएगा। अब ये वाला कौन, बूढ़े लोग पिएंगे ये वाला शराब, शराब कम है पानी ज्यादा है तो बूढ़े लोग पिएंगे, आप कौन सा पिएंगे, बिल्कुल करेक्ट। तीन बर्तन समान आयतन के हैं, समान आयतन का मतलब समझिए, इसमें 5 लीटर, इसमें 5 लीटर, इसमें 5 लीटर, इस 10 लीटर, इसमें 10 लीटर, तो इसमें 10 लीटर, इसमें 20 लीटर, तो इसमें 20 लीटर, इसमें 20 लीटर, समान आयतन का मतलब समझ में आ गया। अब ये इसमें गिराना है, इसमें से गिरा देना है और गिरा देना है। देखिए समान आयतन के हैं तो इसमें गिरा दीजिए, ये नहीं कहेगा कि बराबर मात्रा लिया गया, ठीक है ना, समान आयतन बोल दिया है, काम खत्म। यदि स्वाद, स्वाद 1:2 है तो इसको आप कैपेसिटी पहले इसको कीजिए 3, इसकी कैपेसिटी को कीजिए 5 और इसकी कैपेसिटी 4 और 1 5 कर दीजिए, ठीक है। 3, 5 और 5, 3, 5 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15। 15 सबसे पहले इसको 15 बनाएंगे तो 5 से गुणा, इसको 15 बनाने के लिए 3 से गुणा और इसको 15 बनाने के लिए 3 से गुणा, ठीक है। 5 से गुणा करके इसमें 3 से गुणा करके, इसमें 3 से गुणा करके 15 बना, हमने 15 बना दिया, ठीक है ना, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, 15 हो गया, इसमें 3 से गुणा और इसमें 3 से गुणा, ठीक है। यदि हमने कैपेसिटी को क्या कर लिया, 15 15 15, या ये भी पूछेगा कि बराबर मात्रा लिया जाता है तो भी वही प्रोसेस होगा, तो इसमें भी वही प्रोसेस होगा, ठीक है। देखिए ये है कितना, वाइन, शराब, 5 × 5, 3 × 3 = 9, 9 और 5 = 14 और 3 × 3 ये हो गया 17, ठीक है। 5 × 5 शराब,
तीन तिहाई नौ, नौ पांच चौदह, और चौदह और तीन सत्रह, ठीक है। पानी ये हो गया वाइन शराब। पानी देखिए, पांच दूनी दस, तीन दूनी छह, सोलह हो गया। पांच दूनी दस और तीन दूनी छह, सोलह हो गया। सोलह और चार तीन बारह, अठारह, तो सोलह बारह कितना होता है, अट्ठाईस हो जाता है ना। तो यही आपका शराब और पानी का अनुपात, जब तीसरे बर्तन में डालेंगे तो ऐसा स्वाद होगा, ऐसा स्वाद होगा। समझ में आया, ठीक है। दो क्वेश्चन लैंग्वेज में हमने दो डिफरेंट रखा, समान निक मिला गया, समान आयतन के हैं, तो कैसे हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन लिखिए, धीरे से लिखिए, इसका लैंग्वेज हमने लिखवाया था ना, इसका लैंग्वेज लिखा था आपने, लिखवाया था, नहीं भी लिखवाया तो आपने समझ तो गए ही होंगे। लिखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, दो बर्तन ए तथा बी, दो बर्तन ए तथा बी, ठीक है, ये बर्तन है और ये एक बर्तन है। दो बर्तन ए तथा बी जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात, जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात, दूध वाटर, दूध और पानी 2:1, तथा 3:1 है, ये हो गया वाटर, सॉरी मिल्क, और ये हो गया वाटर, ठीक है। दो बर्तन ए तथा बी जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात 2:1 तथा 3:1 है, 3:1 है, दोनों बर्तनों से पांच और छह के अनुपात में, दोनों बर्तनों से क्रमशः 5:6 के अनुपात में मिश्रण निकाल करके, 5:6 के अनुपात में मिश्रण निकाल करके एक तीसरे बर्तन में डाल दिया गया, एक तीसरे बर्तन में डाल दिया गया, तीसरे बर्तन में डाल दिया गया। तीसरे बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात आपको बताना है, तीसरे बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, पांच, इसमें से 5 लीटर तो इसमें से 6 लीटर, तो प्रोसेस क्या होता है समझ लीजिए। 2 और 1 3, 3 और 1 4, सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहला काम 3 और 4 का एलसीएम लीजिए। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा मित्रों, 12 होगा ना, 12 बनाने के लिए 3 से गुणा, इसको 12 बनाने के लिए 4 से गुणा, ठीक है। इधर हमने गुणा कर दिया 4 से, और इधर गुणा करके देखिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 12 बना दिया। इसमें याद दिया 3 से गुणा करते हैं, इसमें 3 से गुणा करते हैं, तो 3 दूनी 3 9 और 3 12 हो गया, ठीक है, बातों को समझिएगा। क्वेश्चन में है कि इसमें से 5 हिस्सा निकालना है, अर्थात 5 लीटर निकालना है, 5 गिलास निकालना है, 5 चम्मच निकालना है, 5 बाल्टी निकालना है, 5 ड्रम निकालना है, इसमें से 6 ड्रम निकालना है। कुछ न कीजिए मित्रों, कुछ न कीजिए, 5 निकालना है तो इसमें 5 से गुणा कीजिए, क्योंकि 5 हिस्सा निकालना है तो इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। इधर 6 से गुणा करने हैं तो इधर 6 से गुणा कर दीजिए, और इसमें भी 6 से गुणा कर दीजिए। देखिए यदि 5 लीटर निकालना है तो 5 से गुणा कर दीजिए, 6 लीटर निकालना है तो 6 लीटर। देखिए क्वेश्चन में ये रहेगा कि 5:6 में निकालिए या 5 लीटर 6 लीटर निकालिए, बात एक ही है, ठीक है, बातों को समझिए। 5 चौका 20 दूनी का 40, 40 हो गया, 36 18, 18 53 54, 5 चौका 20 दूनी 40 और 36 18 54, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा ना। इधर देखिए 5 चौका 20 और 36 18, ये हो गया 38, ठीक है, इसको जब कट करेंगे तो 47:19 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने 3 क्वेश्चन का अध्ययन किया, कितने क्वेश्चन का अध्ययन किया, 3 क्वेश्चन का अध्ययन किया है।
आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चार की। क्वेश्चन नंबर चार की लिखिए, दो टैंक में पेट्रोल डीजल तथा केरोसिन का अनुपात, दो बर्तन में पेट्रोल डीजल तथा केरोसिन का अनुपात, वैसे गड़बड़ हो गया, दो टैंक में पेट्रोल डीजल तथा केरोसिन क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है, 2:3:4 तथा 1:7:10 के अनुपात में है, दोनों टैंकों की मात्रा को, क्रमशः 3:2 के अनुपात में लेकर एक तीसरे बर्तन में डाल दिया गया, परिणामी मिश्रण में पेट्रोल डीजल तथा केरोसिन का अनुपात बताएं, पहले आप खुद ही अटैक कीजिए, फिर आप बताइएगा। देखिएगा, पेट्रोल डीजल और केरोसिन किस अनुपात में है, 2:3:4 ये है आपका। दूसरे बर्तन में पेट्रोल डीजल और केरोसिन है आपका किस अनुपात में है, 1:7:10 बातों को समझिएगा। इसको मिलाना है और तीसरे बर्तन में डालना है, तो पेट्रोल डीजल और केरोसिन, केरोसिन बताना है, कैसे अटैक करना है देखिएगा ध्यान से। 2, 3, 5 और 4, 9 लेना है और इसमें से निकालना है 3 और इसमें से निकालना है 2। क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में देखिए फटाफट, 3:2 के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में मिश्रण लेना है। 7 और 1, 8 और 10, 18 हो गया, ठीक है। सबसे पहला काम 9 और 18 का एलसीएम 18 ही होता है, तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा, इसमें 2 से गुणा और इसमें 2 से गुणा, ठीक है। इसमें 1 से गुणा, ठीक है। बातों को समझिएगा। इसमें से 3 हिस्सा लेना है, तो 3 से गुणा कर दीजिए सारी रेशियो में, 3 से गुणा कर दीजिए 3 से और इसमें 3 से। इसमें 2 से गुणा है, 2 रेशियो लेना है, तो 2 से गुणा, इसमें 2 से गुणा और इसमें 2 से गुणा। बातों को समझिएगा। देखिए, 3 × 6 × 12 और 2 × 2 = 2, 3 × 6 × 12 और 2 = 14 हो गया पेट्रोल केरोसिन डीजल को। देखिए, 3 × 6 = 18 और 2 × 7 = 14, 3 × 6 = 18 और 2 × 7 = 14, ये हो गया कितना, 18 × 14 कितना होता है, 32, ठीक है। देखिए केरोसिन वाला, 3 × 6 = 24 और 2 × 10 = 20, तो 24 और 20 कितना होता है, 44। कट कर दीजिए, 7, 16 और 22 आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया है कि नहीं आया है, समझ में आ गया है। 2, 3, 5, 4, 9 कर दिया था और आपने समझ लिया है क्या करना है 3:2 के। अब इसी क्वेश्चन को जो हमने लैंग्वेज लिखवाया था, उसी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में इसी क्वेश्चन को कैसे बोला जा सकता है उसको भी लिख लीजिए फटाफट। दो बर्तनों के आयतन का अनुपात 3:2 है,
दो बर्तन के आयतन का अनुपात 3:2 है, 3:2 है, उसमें पेट्रोल डीजल तथा केरोसिन, उसमें पेट्रोल डीजल तथा केरोसिन 2:3:4 तथा 1:7:10 के अनुपात में है, 1:7:10 के अनुपात में है। एक तीसरे बर्तन में डाल दिया गया, तीसरे बर्तन में डाल दिया गया, और तीसरे बर्तन में पेट्रोल डीजल केरोसिन किस अनुपात में होगा? तो ये आपने क्वेश्चन करने का पहले ही बोल दिया कि 3:2 के अनुपात में है, तो इसका मतलब है कि इसमें 3 से गुणा, इसका मतलब है 2 से गुणा। फिर डाउट मत पूछिएगा, यदि हम सारा डाउट क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो इतना बात हमने कर लिया, 4 क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन अब लिख लीजिए फटाफट, और ये मिश्रण का एक टाइप पांचवा क्वेश्चन करने के बाद खत्म हो जाता है। लिखिए, संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर पानी तथा जमीन का अनुपात, संपूर्ण पृथ्वी पर पानी तथा जमीन का अनुपात, संपूर्ण पृथ्वी पर पानी तथा जमीन का अनुपात 1:2 है, 1:2 है, ये 1:2 है संपूर्ण पृथ्वी की बात, ठीक है ना, संपूर्ण पृथ्वी की बात, ठीक है। जबकि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात, जबकि उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में पानी, वाटर और लैंड का अनुपात, पानी तथा जमीन का अनुपात 2:3 है, 2:3 है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, समझ में आ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात है। दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में पानी तथा जमीन का अनुपात बताएं, पानी तथा जमीन का अनुपात बताएं, वाटर एंड लैंड का अनुपात बताना है दक्षिणी गोलार्ध में। संपूर्ण पृथ्वी पर यह है, उत्तरी गोलार्ध में 2:3 है, दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात क्या होगा? जमीन और पानी का अनुपात, यानी पानी तथा जमीन का अनुपात। दोस्तों क्वेश्चन एक बार समझ लिया ना, संपूर्ण पृथ्वी पर पानी और जमीन का अनुपात, उत्तरी गोलार्ध में पानी और जमीन का अनुपात 2:3 है, दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात क्या होगा? तो समझिए कैसे निकालेंगे, एक बार अटैक कीजिए पहले। देखिएगा, ये जो पानी है ना, ये जो पानी है, ये उत्तरी का भी बार्थ, ये उत्तरी गोलार्ध होता है, ये सब ज्योग्राफी हम आपको पढ़ाऊंगा नहीं, ये उत्तरी गोलार्ध में, सॉरी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का ये पानी है दोनों मिलके, और ये पानी कहां का है? उत्तरी गोलार्ध का, ठीक है। तो संपूर्ण पानी में से उत्तरी गोलार्ध को हटाएंगे तभी तो आपको दक्षिणी का मिलेगा, सभी को आपको दक्षिणी का मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल करेक्ट। देखिए ये जो लैंड है, ये पूरा लैंड है, समझ में आया, ये पूरा उत्तरी और दक्षिणी मिलाकर, उत्तरी और दक्षिणी मिलाकर, ठीक है, पूरा। यदि हम उत्तरी को घटा दें तभी तो ये दक्षिणी मिलेगा, समझ में आया? तो अब देखिए क्या इसमें करने का प्रोसेस है। 2003 एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, देखिएगा, 1 और 2 इसको कीजिए 3, 2 और 3 इसको कीजिए 5, ठीक है। सबसे पहले कैपेसिटी को बराबर कीजिए, कैपेसिटी बराबर कैसे करते हैं पता है? यस करेक्ट, 3 और 5 का एलसीएम 15 करते हैं, तो 15 बनाने के लिए इसमें 5 से गुणा, इसको 15 बनाने के लिए 3 से गुणा, ठीक है, इसको 5 से गुणा, इसको 5 से गुणा, इसको 3 से गुणा और इधर 3 से गुणा, ठीक है, समझ में आया? देखिए ये जो बात हो रही है ना, संपूर्ण की बात हो रही है, उत्तरी प्लस दक्षिणी, ये जो लैंड की बात हो रही है उत्तरी तथा दक्षिणी, और ये जो बात हो रही है ना सिर्फ उत्तरी की बात हो रही है। देखिए ध्यान समझिए,
इसकी कैपेसिटी को हम दो से गुणा कर देते हैं। दो से गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों का है, उत्तरी और दक्षिणी दोनों का है, तो ऊपर हमने दो से गुणा कर दिया, और यह सिर्फ उत्तरी गोलार्ध का है तो इसमें हमने एक से गुणा करके एक से गुणा कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, दो पांचे दस और तीन उन्नीस छह, दस में से छह को घटा दीजिए, ये हो जाएगा चार। समझ में आया कि ना? दो पांचे दस दूनी बीस और तीन तिहाई नौ, बीस में से नौ हो जाएगा, ग्यारह हो जाएगा, और ये कहां का अनुपात निकलेगा? बिल्कुल करेक्ट, दक्षिणी गोलार्ध का निकल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंतर्गत मिश्रण का एक टाइप खत्म किया है। क्या क्या है? एक टाइप। इस पांच क्वेश्चन की सहायता से बहुत सारे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन इस पांचों को समझे होंगे तभी किताबों के क्वेश्चन को आप अटैक कर पाएंगे। आप मार्केट की जो भी किताब आप कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इससे 300-400 क्वेश्चन को लगा दीजिए। 300-400 क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, आपकी प्रैक्टिस कम हो जाएगी और दुनिया के जो भी लड़के मेहनत कर रहे हैं वो आपसे जीत जाएंगे। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, रेशियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। 200-400 क्वेश्चन कीजिए, आपको लीड लेना है, आपको सिलेक्शन लेना है। आपको हमारा काम है पूरी दुनिया का सबसे शानदार कॉन्सेप्ट देना, और आपका काम है हमारी हर वीडियो को पढ़ना, हर वीडियो पे कमेंट करना, हर वीडियो को लाइक करना, और अपने गांव मोहल्ले के हर लड़कों को शेयर कर देना, और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना अपने गांव के नाम से। उसमें हमारा ये जो मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है ना, ये देखने के लिए नहीं ये लिखा जाता है, आपको मोबाइल नंबर सेव करिए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और हमको जोड़िए, उसमें हम अपना कोचिंग का प्रचार करता रहूँगा, हमारा मैटर आपके गांव तक पहुँच जाएगा और धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की दसवीं वीडियो में और मिश्रण की दूसरी वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।